होली पर सभी बारात को लेकर सिटी एसडीओ मुकेश रंजन की अध्यक्षता में शांति समिति व विभागीय अधिकारियों की एक बैठक हुई। इस दौरान हिंदू मुस्लिम को एकता व भाईचारे के बीच पर्व मनाने की बात कही गई। वहीं शांति समिति के सदस्यों से होलिका दहन स्थल समाधि व कब्रिस्तान के पास पुलिस निगरानी रखने सहित अन्य बिंदुओं के अनुपालन में सहयोग की अपील की। डीजे बजाने, अश्लील गाने नहीं बजाने पर रोक रहेगी। एसडीओ ने सदस्यों से कहा कि होली के अगले दिन बसियोरा में मटका फोड़ कार्यक्रम स्थल का पता और समय स्थानाध्यक्ष को दे, ताकि कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस टीम उस समय वहां मौजूद रहे। बैठक में मौजूद अमित रंजन ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना अध्यक्षों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कहा कि असामाजिक तत्वों के लोगों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसके साथ ही संवेदनशील जगहों पर कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। नेहा के साथ न्यूज क्राइम 24 टीम की रिपोर्ट। अनुमंडल स्तर पर शांति समिति की आज बैठक की गई थी होली और शबे बारात के अवसर पर, और इसको लेकर के जो हमारा निर्धारित कार्यक्रम है उसको में प्रशासन का किस प्रकार का सहयोग होगा और प्रशासन की ओर से विधि व्यवस्था के संधारण के लिए क्या कार्रवाई किए जा रहे हैं उसको लेकर के लोगों तक संदेश दिया गया है। साथ ही जो सावधानियां बरती जानी है उसको लेकर के लोगों को निर्देश दिया गया है कि ताकि जो है शांतिपूर्ण माहौल में इस कार्यक्रम को करें। होलिका दहन का जो कार्यक्रम है उसमें अनावश्यक रूप से ऐसे जगहों पे होलिका का दहन न हो जिससे लोगों को क्षति पहुँचे। सभी बारात में जो इबादत का माहौल है जिसमें रात के अवसर पे जो हमारे घर की महिलाएं और बच्चे निकलते हैं उनको किसी तरह की असुरक्षा न हो और होली जो है खुशी माहौल में मनाए, इसी को लेकर के संदेश दिया। आज हम लोग ने शांति समिति की बैठक यहाँ पे अनुमंडल स्तर पे की है और उसमें हम लोग जो भी हम लोग पुलिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया गया है वरीय पदाधिकारी द्वारा कि शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा, उसके चलते हम लोग दीदारगंज बॉर्डर से जो भी शराब लाते हैं ट्रक द्वारा उसके लिए सघन चेकिंग करेंगे और ट्रिपल लोड या जो बाइकर्स जाएंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। और दूसरा हम लोगों ने डीजे के ऊपर जो जो भी 10 बजे के बाद रात में डीजे चलाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो भी अभद्र सॉन्ग्स वगैरह प्ले करेंगे होली के दिन पे या वैसे भी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। होली में रंग में भंग डालने वाले हम लोग मेन तो है कि होली पर्व में देखा गया कि लोग शराब अक्सर पी लेते हैं तो हम लोग उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। शराब कंट्रोल हो जाएगा तो ये लॉ एंड ऑर्डर भी सही रहेगा। अनुमंडल शांति समिति की बैठक की गई जिसकी अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी श्री मुकेश रंजन जी ने किया एवं इसमें पटना सिटी के एएसपी अमित रंजन जी और सभी थाना अध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्ष जो है, जो अन्य अन्य विभाग हैं, बिजली विभाग है, नगर निगम है, उसके भी पदाधिकारी उपस्थित हुए। सभी सम्मानित जो है शांति समिति के सदस्य उपस्थित हुए। इस अवसर पर सभी सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात को रखी है। यह जो बैठक थी वो शबे बारात और होली को लेकर के की गई जिसमें प्रमुख रूप से यह बात उभर के आई है कि डीजे पर पूर्णतः रोक रहेगा और रात में 10 बजे के बाद अगर कहीं लाउड स्पीकर या हो हंगामा या इस तरह का अश्लील गाना ये बजाया जाता है तो उन पर FIR करने का भी जो है निर्देश दिया गया है। और सभी सम्मानित सदस्यों ने भी जो है अपनी मांग को रखी है जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी और ASP पटना सिटी ने अपनी सहमति जताई और पूरे अनुमंडल क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद रहेगा और तमाम जो कब्रिस्तान है वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। और जो मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं जैसे कैमासिको मोहल्ला है, बक्सी मोहल्ला, बटाऊ कुआं, फसाद की मैदान, जहाँ हिंदू और मुसलमान का जो मिश्रित पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनाती करने की भी मांग रखी गई है। इस पर सभी जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं उन लोगों ने भी अपना अपना विचार रखा है। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, ASP महोदय ने स्पष्ट किया है कि हमारी जो है पूरी तरह से निगाह रहेगी कि कोई भी गलत काम, कोई भी असामाजिक तत्व किसी तरह का गलत कार्य ना कर सके। पटना सिटी अनुमंडल में सौहार्द बना रहेगा, इसको उन्होंने आश्वस्त किया है।